श्योर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, जो क्वेश्चन एयर डिस्कशन देखने वाले हैं उनको वेलकम। अभी हम क्वेश्चन एयर डिस्कशन आज जो शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन नंबर 153 से। इसके अंदर हम 153 से लेकर टाइटल में जो क्वेश्चन एयर डिस्कशन देख रहे हैं उनको दिख रहा होगा कि कौन से है। ऑलरेडी मैंने रेगुलर बैच को बोलकर रखा है कि आज हम कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो आ जाइए। आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन नंबर 152 से, 153 से इन शॉर्ट। वन फिफ्टी थ्री का एज सच कोई मेन टाइटल नहीं क्रिएट किया गया है, मतलब हेडिंग नहीं है, पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर बोलूँ, आप क्वेश्चन नंबर के हिसाब से जाइए, पेज नंबर और हेडिंग टाइटल को ढूंढना मत। क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 61। रेडी? चल, व्हाट इज अ डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देन। ठीक है, पहला सवाल है कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब क्या है। ठीक है, मोहन अ न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ आरएसटी लिमिटेड अप्लाइड फॉर डिन। न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर, इन्होंने अपॉइंट, ये भी सस्ते नशे करके एग्जाम्पल बना रहे हैं। पहले तो बोलते हैं बिना डिन के डायरेक्टर बन नहीं सकते, 164(1)(h) क्या कहता है, मतलब ये सस्ते नशे वाला ही क्वेश्चन है एक्चुअली। मतलब कैसा सवाल है, पहले आप बोलते हो कि 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच में बिना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिए आप डायरेक्टर बन नहीं सकते, यू आर डिस्क्वालिफाइड। फिर यहां बोल दिया ही इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ आईएससी लिमिटेड एंड हैज अप्लाइड फॉर डिन। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह। आगे, एडवाइस हिम अबाउट द लिस्ट ऑफ द स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी अटैच फॉर द एप्लीकेशन। अब ये चीज मैंने क्लास के अंदर आपको पढ़ने के लिए बोली थी कि पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या क्या देना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं पढ़ूंगा कि डिन इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर बीइंग डायरेक्टर। साथ में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अलग डिन भी प्रोड्यूस कर सकता है। आपने डिन के लिए एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए किसके साथ, सीजी के साथ, जिसके लिए फॉर्म नंबर है DIR3, और इसमें एक और फॉर्म में एड करना चाहूंगा DIR3KYC। ठीक है, ये दो रिफॉर्म्स हम यहां पर जरूर लिखेंगे, और भी है DIR3CD3B3C ऐसे, तो बेसिकली उनको यहां पे कोट करने की जरूरत नहीं है। ये दो ही फॉर्म भी अगर आपने कोट कर लिए DIR3KYC, साथ में अगर आप DIR4 कोट करना चाहो तो DIR4 भी आप फोर भी आप कोट कर सकते हो, CACS CMA का वेरिफिकेशन। क्लियर है कंसेप्ट? और फिर नीचे दिए गए स्कैंड डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। कौन से स्कैन डॉक्यूमेंट्स है, सवाल अच्छा है, जनरल नॉलेज वाला है, प्रैक्टिकल है, मतलब अगर आपने आर्टिकल शिप किया है, डिन विन फाइल किया है तो आपको इमीडिएटली लिखते आएगा, लेकिन जिसने डिन फाइलिंग नहीं किया है आर्टिकल शिप में उसके लिए थोड़ा मुश्किल जाएगा। इसलिए स्कैन डॉक्यूमेंट में फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आपको कुछ भी चलेगा जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, कुछ भी। फिर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड वगैरह भी आ सकता है। बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड का रेजोल्यूशन लगेगा, प्रपोजिंग हिज अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, और स्पेसिमेन सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड, एक स्पेसिमेन सिग्नेचर लगेगा जो ड्यूली वेरीफाई करना है। इन गिवन केस इज डिस्कस्ड एज फॉलोज। अब अगर हाँ, ये भी है कि बोर्ड रेजोल्यूशन अगर नहीं होगा आपके पास तो भी चल जाएगा, लेकिन होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। नॉर्मली आप डिन आपके पास ऑलरेडी है और आप बाद में अपॉइंट हो रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में नीचे, इन द गिवन केस डिस्कस बिलो, मोहन इज न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ RSC लिमिटेड अप्लाइड फॉर अ डिन। धस मिस्टर मोहन शॉल कंप्लाई विद द अबव स्कैंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट टू बी अटैच्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डेन। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना, तो ये आंसर याद रखिएगा। मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 62 पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिस्क्राइब प्रोसेस टू ऑब्टेन द सेम एंड एन्यूमरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, रीड विद द रिलेटेड रूल्स। अब यहां पे प्रोसेस पूछा है बच्चों, यहां पे क्या पूछा है, डिस्क्राइब द प्रोसेस टू ऑब्टेन द सेम। डिन तो हम लिख लेंगे क्या है, लेकिन प्रोसेस का क्या? सो पहला पैराग्राफ मैंने वही मेंशन किया है डिन का, और फिर उसके बाद में प्रोसीजर टू ऑब्टेन डिन का मैंने पैराग्राफ मेंशन किया है। बड़े अच्छे से ध्यान देना, रूल 9 के अंदर दिया है एवरी एप्लीकेंट इंटेंड टू टेक अ डिन शॉल अप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली इन ईफॉर्म DIR3। सेम ईफॉर्म्स आप यहां पर रिपीट कर सकते हो, DIR3KYC, DIR4 भी आप यहां पर रिपीट कर सकते हो। फिर उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू फैसिलिटेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन।
थ्रू द पोर्टल ऑफ द वेबसाइट ऑन एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट के ऊपर ये आएगा. द एप्लीकेंट शॉल डाउनलोड फॉर्म DIR-3 फ्रॉम अ पोर्टल, फिल द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉर्ट देयर इन वेरियली एंड साइन द फॉर्म आफ्टर अटैचिंग द कॉपीज फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, जैसे फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, बोर्ड रेजोल्यूशन अगर पास किया होगा तो. फॉर्म DIR-3 KYC साइंड एंड सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय एप्लीकेंट इन हिज ओन और डिजिटल सिग्नेचर के अंदर उसने देना है. हाँ, डिजिटल सिग्नेचर बहुत नेसेसरी है, DSC इज वेरी नेसेसरी फॉर द DIN. हम जब DIN अप्लाई करते थे तो सबसे पहले हम डिजिटल सिग्नेचर ही निकाल के देते थे. फिर CEO CFO ऑफ द कंपनी इन विच द कंपनी इज इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इन द केस ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन डज नॉट हैव लास्ट नेम, डज नॉट हैव लास्ट नेम, देन हिज फादर्स और ग्रैंड फादर सरनेम शॉल बी मेंशनड. क्लियर है? अब कई बार ऐसा होता है साउथ इंडिया में कि उनके नाम उनके फादर से चलते हैं, मतलब उनका नाम और उनका फादर का नाम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राजेश राकेश. क्लियर है? एन श्रीनिवासन. ठीक है, मतलब इंडिया में तीन नाम चलते हैं, अपना नाम, पप्पा का नाम और सरनेम. साउथ इंडिया में दो ही नाम चलते हैं, अपना नाम और आपके पप्पा का नाम, एन श्रीनिवासन, ऐसे नाम चल सकते हैं. सो इन सेक्शन 154 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2003. अच्छा, ये DIR-3A में आपने मेंशन करना है ग्रैंडफादर या उनका नाम वगैरह. 154 में ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन एक महीने के अंदर आपको डिन अलॉट किया जाएगा. क्लियर है? लेकिन अगर आपको डिन अलॉट नहीं करते हैं तो आपका परमानेंट रिजेक्शन हो सकता है, टेम्पररी रिजेक्शन हो सकता है, और इनसफिशियंट डिटेल्स में आपको 15 दिन मिलेंगे वापस से इंफॉर्मेशन सबमिट करने के लिए. क्लियर है? सो इफ इंफॉर्मेशन इन्फो इज इनसफिशियंट, सबमिट इन 15 डेज. 15 दिन के अंदर आपने इंफॉर्मेशन सबमिट करनी चाहिए. रूल 10 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ रूल्स प्रोवाइड्स अ मैनर फॉर मेकिंग इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट में अलॉटेड डिन. ठीक है, कौन से तरीके से अलॉट करेगा CG डिसाइड करेगा. ऑन सबमिशन ऑफ DIR-3 द पोर्टल पेमेंट रिक्विजिट फीस, फीस वगैरह पे करनी है आपने, और फिर आपका नंबर जनरेट हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर जो संभाल के रखना है. आफ्टर जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन नंबर CG शॉल प्रोसेस एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड फॉर अलॉटमेंट ऑफ द डिन, डिन अलॉटेड इन द केस अप्रूव्ड बाय वे ऑफ द लेटर ऑफ द पोस्ट इलेक्ट्रॉनिकली और एनी अदर मोड. मतलब एक बार आपको डिन अलॉट हो गया तो लेटर ऑफ पोस्ट वगैरह से थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है. ठीक है, चलो यहां सेक्शन 153 के क्वेश्चंस खत्म हुए. अब हम जाते हैं अगला सेक्शन 154. अब इसमें से मुझे कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, सो आई विल रादर टेल ये वाला क्वेश्चन नंबर 62. इसको मैं स्टार मार्क करके रखता हूं डिन में से, आप भी करके रखिए 62 को. फिर सेक्शन नंबर 154 अलॉटमेंट ऑफ डिन, सम चेंजेस इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द डायरेक्टर हु हैज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हैव टेकन प्लेस. Now, director want to incorporate the changes in the DIN in the database maintained by the central government. अब जो भी आपको normally changes करने होते हैं DIR form number 6 में and DIR form number 7 के अंदर हम करते हैं. Clear है सबको? हाँ है ना? उसके बाद में अगला सवाल, डिस्क्राइब द प्रोसीजर, किस प्रोसीजर के थ्रू आप इसको कर सकते हो. नीचे सूर्या डायरेक्टर ऑफ न्यू एज लिमिटेड होल्डिंग डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर वॉन्ट टू मेक सर्टन चेंजेस इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द DIN. सेम सवाल है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर. तो नीचे लिखा गया है, देखो, ओके, एवरी इंडिविजुअल हु हैज बीन अलॉटेड डिन इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द पर्टिकुलर स्टेटेड इन फॉर्म नंबर DIR-3 इंटीमेट सच अ चेंजेस टू CG विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज इन फॉर्म नंबर DIR-6. द एप्लीकेंट शॉल डाउनलोड ई फॉर्म DIR-6 फ्रॉम द पोर्टल एंड अटैच अ ड्यूली स्कैंड कॉपी ऑफ द प्रूफ ऑफ चेंज इन द पर्टिकुलर्स. द फॉर्म शॉल बी डिजिटली साइंड बाय CA CS इन द प्रैक्टिस, और इसके लिए ई फॉर्म नंबर है DIR-7. The central government, upon satisfied after verification of such a changed particulars from the enclosed proof, shall incorporate the said changes in the inform and applicant by way of a letter of the post and electronically. एक बार changes complete होने के बाद आप post के through या electronically applicant को बोल सकते हो कि हमने changes incorporate किए हैं. एक बात आपने यहां पर याद रखना, आपको नया DIN नहीं दिया जाता, no new DIN will be given. Existing will be updated. Clear है? ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना. नीचे
द डिन सेल ऑफ मिनिस्ट्री शॉल ऑल्सो इंटीमेट द चेंजेस इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द डायरेक्टर सबमिटेड इन फॉर्म नंबर DIR 6 टू द कंसर्न रजिस्ट्रार अंडर हुज ज्यूरिसडिक्शन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और द इंडिविजुअल डायरेक्टर इज अपडेटेड. मतलब उस ROC में भी अपडेट करना जरूरी है जहां पर कंसर्न डायरेक्टर, बिकॉज आपने तो MCA के साइड पर डाला है और MCA का साइड पूरे इंडिया के लिए है. तो ये पॉइंट काफी अच्छा है, इसको आप नोट करके रखना कि भैया कंसर्न सेल में आपको नोट करना जरूरी है, कंसर्न ROC में. क्लियर है कंसेप्ट? चल, ये होने के बाद अगला सवाल. मिस्टर विनय कुमार अप्लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन 1st November 2016 एज ही इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन फॉर्म नंबर DIR 3 अंडर कंपनीज एक्ट. द स्टेटस ऑफ द डिन एप्लीकेशन प्रेजेंटली शोइंग पुट अंडर रीसबमिशन, ही सीक्स योर गाइडेंस. पुट अंडर रीसबमिशन बोला है. पुट अंडर रीसबमिशन मतलब 15 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन वापस भेजनी है. सीक्स योर गाइडेंस एज टू वेदर द एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड एंड रिक्वायर्ड टू बी ऑप्टेन अ डिन. मतलब क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है और किस तरीके से वो डिन ऑप्टेन कर सकता है. ठीक है, अब इसके अंदर देखो, मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा क्योंकि कई बार हमने प्रोसेस पढ़ ली. देखिए, पहले पैराग्राफ में मेंशन किया है कि कैसे अप्लाई करते हैं डिन के लिए. फिर मैं रीसबमिशन का प्रोसेस पढ़ूंगा. नीचे देखिए, एज पर रूल 10 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिन बाय एप्लीकेंट इज डिफेक्टिव, अगर आपका एप्लीकेशन इज डिफेक्टिव है या इनकम्प्लीट है, शॉल गिव अ इंटीमेशन ऑफ सच अ डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस बाय प्लेसिंग ऑन द वेबसाइट एंड ईमेल टू द एप्लीकेंट. अब ईमेल पे बोलो कि आपका इनकम्प्लीट डिटेल है. उस सिचुएशन में एप्लीकेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ सच अ प्लेसिंग ऑन द वेबसाइट, उसने पूरे डॉक्यूमेंटेशन या सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन करना है. उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू फाइल अ फ्रेश एप्लीकेशन विद अ कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन. यह हो सकता है. या दूसरा, ट्रीट एंड लेबल सच एप्लीकेशन एज इनवैलिड. ठीक है, उसको एप्लीकेशन इनवैलिड भी मार्क कर सकते हैं. एंड उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन द केस ऑफ डिफेक्ट्स आर नॉट रिमूव्ड, इन्फॉर्म द एप्लीकेशन एप्लीकेंट इधर बाय वे ऑफ द लेटर ऑफ पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली अकॉर्डिंग टू रूल 10. आगे बोला गया है, इफ द डिन एप्लीकेशन इज पुट अंडर रीसबमिशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, वन कैन सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज. नीचे दिए गए डिटेल के केस में रीसबमिशन है तो कौन कौन सा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या रेसिडेंस नॉट एनक्लोज, डेट ऑफ बर्थ नॉट एनक्लोज, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रॉपरली अटेस्टेड, नॉन सबमिशन ऑफ एफिडेविट अगर इस केस में है तो रिसबमिट हो सकता है. नीचे उसको हमने वही कंक्लूड किया है. ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्शन नंबर 154. 154 के बाद 155, 156, 157 पे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है. हम स्ट्रेट पे आए हैं 158 पे. ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. अगर आपको पता होगा तो प्रोविजन बोलता हूं, डायरेक्टर ने हर ROC कम्युनिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन या किसी भी कम्युनिकेशन के साथ में, खुद का ऑफिशियल कम्युनिकेशन के साथ में खुद का डिन मेंशन करना कंपलसरी है. डायरेक्टर को डिन बताना ही पड़ेगा. अगर डायरेक्टर डिन नहीं बताता है तो डायरेक्टर को पेनल्टी लग सकती है फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोसेस. ठीक है, तो एक्स अप्लाइड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ द डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. What are the obligations of Mr. X and company in which he is appointed as a director after DIN is allotted to him? उसके obligations पूछे हैं जब उसको director बना दिया. What are the obligation in which he is appointed as a director under the Companies Act and the rules made therein? ठीक है, तो आ जाइए. Every director after receipt of the DIN from CG within 1 month shall intimate such a DIN to all companies under section 156. ये वही सस्ते नशे वाला सेक्शन है. मतलब पहले तो बोलते हो कि बिना डिन के डायरेक्टर बन नहीं सकते, बाद में बोलते हो कि एक बार डायरेक्ट डिन मिल गया तो जिन कंपनीज में ऑलरेडी डायरेक्टर हो उनको 1 महीने में बोलो. अगर आप बिना डिन के डायरेक्टर बन नहीं सकते तो कंपनीज में आप ऑलरेडी डायरेक्टर कैसे रहोगे? ये कतई घटिया इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट ने दिया है और सस्ते नशे करके ये सेक्शन बनाया है. इसको अमेंड करना जरूरी है. After receipt of the DIN from director, company shall communicate with the ROC within 15 days. मतलब ये नशों को आगे बढ़ाया जा रहा है. ब्रेड लिया है, उसके ऊपर आयोडेक्स माला है और स्प्रिंकल्ड गांजा. आगे उसके बाद में, the director shall indicate his DIN on every official document, ROC communication, MCA filing, etc. जो है सेक्शन 158 में. ये तीन ऑब्लिगेशन अगर आप कंप्लीट कर लो तो आपका DIN का काम हो जाएगा. क्लियर है आंसर? उसके बाद में November 19, मिस्टर थंगवेल इज अ डायरेक्टर ऑफ 7 companies विथ अ डिन अलॉटेड टू हिम. अगेन अनदर डिन वॉज इनएडवर्टेंटली अलॉटेड टू हिम.
अनदर डिन वॉज इनवर्टेंटली अलॉटेड टू हिम, मतलब एक गलत सलत डिन भी उसको अलॉट किया, अब दो डिन हो गए, टू हिम विच ही नेवर यूज्ड, नेवर यूज्ड फॉर फाइलिंग द डॉक्यूमेंट, ही डिजायर्स टू सुरेंदर द डिन, डिजायर्स टू सुरेंदर द सेकंड डिन एंड कीप ऑल हिज डायरेक्टरशिप विद द फर्स्ट डिन, एडवाइज हिम द प्रोसीजर टू बी फॉलोड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर फॉर सुरेंदरिंग द डिन. क्वेश्चन मस्त है, सरेंडर ऑफ डिन पे है, DIR 5 का सवाल है. डिन अगर सुरेंदर करना है, सरेंडर नहीं सुरेंदर, तो आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है, DIR 5 सुरेंदर करने के लिए. ठीक है, तो यहां पे आ जाइए, यहां पे भी वही लिखा है, आप देख सकते हो कि भैया DIR 5 फाइल करो और आप सरेंडर कर दो. ठीक है, एक बार आंसर पढ़ लीजिए, काम में आएगा, गो फॉर इट फर्स्ट.
रीड कर लिया सबने। सो अब हम अगले सेक्शन के ऊपर जा रहे हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 160 बेटा, ठीक है। एंड 160 इज रिगार्डिंग, होल्ड, ठीक है। सेक्शन नंबर 160 इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू डायरेक्टर, ठीक है। दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। मैंने बोला था ना रेगुलर बैच में कि बेयर टेक्स वाला नाम है। राइट ऑफ अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, क्लियर है। चल स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 67 से। आ जाइए। द मैनेजमेंट ऑफ एटीपी लिमिटेड, अ कंपनी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज मुंबई, वन सेकंड, वॉन्ट टू अपॉइंट, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एटीपी लिमिटेड, कंपनी लिस्टेड विद द स्टॉक एक्सचेंज मुंबई, वॉन्ट टू अपॉइंट मिस्टर बीडीएफ एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट एन्युअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी टू बी हेल्ड ऑन 24th of May 2007। इट मे बी नोटेड दैट मिस्टर बीडीएफ इज नॉट रिटायरिंग डायरेक्टर, ठीक है। द मैनेजमेंट सीक्स योर गाइडेंस रिगार्डिंग प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड, ठीक है। एज गुड एज डायरेक्ट सवाल ही लग रहा है मेरे को ये। फॉर द पर्पज You are required to state the procedure to be followed for giving effect to such a proposal and formalities to be observed after appointment of Mr. BDF as a director by management of ATP Limited as per the provision of Companies Act. ठीक है, अच्छा हाँ, sorry, इसके पहले का question था मैं कहाँ कर लिया, ठीक है। So as per the Companies Act आपने procedure बोलने हैं किस तरीके से director को appoint करना है, ठीक है। तो मुझे as good as सवाल direct सवाल लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें 115 का जो स्पेशल नोटिस है वो 160 में रिकमेंडेड है, मैंडेटेड नहीं है। तो अ सिंगल मेंबर, एनी सिंगल शेयर होल्डर कैन ऑल्सो अप्लाई। एक शेयर होल्ड करने वाला बंदा भी न्यू डायरेक्टर अपॉइंट के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या प्रोसीजर है मैं बोल देता हूं। एनी पर्सन हु वांट टू अपॉइंट, एनी मेंबर who want to appoint a new director can apply for his own directorship or the directorship of some other person at least 14 days before at the registered office of a company with the fees of rupees 1 lakh. जिसके अंदर registered office पे आप apply करोगे physically या electronically, 14 days before आप ये लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे आप normal 6 am to 9 pm में apply करते हो। इसके ऊपर एक litigation भी हुआ हुआ है, regular batch में मैंने बताया था। उसके बाद में with the fees of rupees 1 lakh, ये 1 lakh का fees कुछ directors को नहीं लगता, जैसे independent director और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या रेमुनरेशन कमिटी ने रिकमेंड किया है उनको ये फीस नहीं लगता। ये फीस उनको रिफंड किया जाएगा जिनको 25% से ज्यादा वोट मिलते हैं या जो डायरेक्टर बनते हैं। सेक्शन 8 कंपनी ये फीस को कॉन्फिस्केट भी कर सकता है। फिर उसके बाद में ये नोटिस 7 days before, क्लियर 7 days before एक तो मेंबर्स को इंडिविजुअली दिया जाएगा और वेबसाइट पर डाला जाएगा, या तो फिर यह 2 newspaper में पब्लिश किया जाएगा और वेबसाइट पर डाला जाएगा, क्लियर कंसेप्ट। फिर उसके बाद में हम जनरल मीटिंग लेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे और डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। इसके अपॉइंटमेंट के बाद DIR-2, DIR-12 फाइल करना जरूरी है। एक है कंसेंट का और एक है चेंजेस इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। इतना सब होने के बाद आपका 160 का प्रोसीजर होता है खत्म, क्लियर है आंसर। सो सेम आंसर आप यहां पे लिख सकते हो पॉइंट वाइज फॉर्म में। सेम चीज मैंने यहां पर लिख के रखी है। देखिए सबसे पहले नोटिस किस तरीके से देना है, पूरा एरिया वही दिया है मैंने, हाउ टू गिव नोटिस एंड फीस। अच्छा एक और बात, ये सेक्शन सिर्फ पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल है, तो आप ये लिखना मत भूलिएगा, पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा है कि भैया ये 1 lakh का फीस किस किस को रिफंड किया जाएगा, ठीक है। जिसको 25% से ज्यादा वोट मिलते हैं उसको रिफंड किया जाएगा। उसके बाद में बोला गया है किसको देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में बोला गया है कि AOA के साथ चेक कीजिए कहीं एप्लीकेंट डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है। उसके बाद में ये इंडिविजुअल एड्रेस पे नोटिस भेजनी है पर्सनली थ्रू ईमेल्स, ठीक है, और पब्लिश करना है नोटिस न्यूज़पेपर में, एक वर्नेकुलर लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज वाला। पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग फॉर सच अपॉइंटमेंट। जनरल मीटिंग में आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, अपॉइंट कर लो। आंसर में मैं यही लिखूंगा कि ऊपर की प्रोसीजर्स फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। सजेशन में मैं 2 forms मेंशन करूंगा, DIR-2 DIR-12। एक बार चाहिए तो आप ये आंसर रीड कर सकते हो। गो फॉर इट फास्ट।
श्योर, डन एवरीबडी. 68, अ नोटिस हैज बीन रिसीव्ड, क्वेश्चन नंबर 68, अ नोटिस हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स प्रपोजिंग हिमसेल्फ फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर आफ्टर इश्यू ऑफ द नोटिस कन्वेनिंग इन द जनरल ईजीएम एज अ सेक्रेटरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, हाउ विल यू डील विद द अबाउ सिचुएशन. बोला है अ नोटिस हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अ मेंबर प्रपोजिंग हिमसेल्फ, मेंबर प्रपोजिंग हिमसेल्फ फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर, ठीक है, एज अ सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक कंपनी, हाउ विल यू डील विद द नोटिस, कैसे डील करोगे. तो पहले तो आप यह समझिए कि नोटिस वैलिडली दी है क्या. सो इस एरिया में वी विल चेक वेदर नोटिस इज वैलिडली गिवन, ठीक है, ये हम सबसे पहले चेक करेंगे. 14 डेज नोटिस एट द रजिस्टर्ड ऑफिस विद द फीस ऑफ रुपीज 1 लाख, हमको ये नोटिस चाहिए. क्लियर है सबको? हाँ ना. उसके बाद में 21 क्लियर डेज का नोटिस का यहां पे कोई जरूरत नहीं है, एज सच 14 क्लियर डेज का नोटिस से भी हो जाएगा. अगर ये 21 क्लियर डेज का नोटिस होगा तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं. सो एज पर 101, अब ये मैंने एडिशनल देकर रखा है लेकिन ये ऑप्शनल है. अब ये ऑप्शनल और अजम्पशन बेस्ड है, ये वाला पैराग्राफ ऑप्शनल एंड अजम्पशन बेस्ड है, तो बड़े अच्छे से ध्यान देना. एज पर सेक्शन 101, द नोटिस ऑफ एवरी जनरल मीटिंग शॉल बी सेंट बाय कंपनी टू मेंबर्स एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग. हाउएवर सेक्शन 160 डज नॉट रिक्वायर दैट नोटिस टू बी गिवन टू अ कंपनी अंडर सेक्शन 160 मस्ट बी रिसीव्ड बाय कंपनी बिफोर द इश्यू ऑफ द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग. मतलब हर कंपनी ने नोटिस जनरल मीटिंग का 21 डेज बिफोर देना चाहिए, पर इस केस में आप वो शॉर्ट कर सकते हो, कंपनी को उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है 160 में, क्योंकि 160 में 7 डेज का नोटिस भी काफी होता है प्रायर. Given case is discussed as follows. In the present case, notice under section number 160 is given, which is of annual general meeting. The notice given by a member shall be in accordance with the provision of section number 160 at least 14 days before. In the case notice given by a member is in accordance with the provision of 160, the company shall inform its members about the candidature by serving an individual notice and advertisement in accordance with the provision of section 160, rule 13. क्लियर है? ये प्रोसेस हमको सिंपली फॉलो करनी है. हालांकि यहां डिटेल नहीं दिया है, इसके बाद आप ये लिख सकते हो 7 डेज प्रायर नोटिस शुड बी सर्कुलेटेड टू मेंबर्स इंडिविजुअली और इट शुड बी गिवन इन द 2 न्यूज़पेपर्स. तो वो एरिया यहां पे मिसिंग है, मैं बोलूंगा इसको ऐड कर देना. क्लियर? 7 डेज नोटिस बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू शेयर होल्डर्स आइदर इंडिविजुअली और थ्रू न्यूज़पेपर. ये चीज को आपको याद रखना है. क्लियर है सबको? आप भी ऐड कर लीजिए, लिख लीजिए इसको, गो फॉर इट फास्ट. चलो, डन एवरीबडी, लेट्स गो. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69. मिस्टर डी प्रपोज हिज कैंडिडेचर एज अ डायरेक्टर इन एक्स लिमिटेड.
along with a deposit of 1 lakh rupee, later on Mr. D failed to appointed but received 30% of total votes. Mr. D failed to get appointed but 30% vote mile. Matlab seedha baat ye hai ki isko iska paisa wapas chahiye. Refund 1 lakh. Baat udhar hi jari hai. Mr. D asked Ask Limited to refund the deposit but the company denied to pay and failed to be elected. As he failed to be elected. तो आपको 1 लाख रुपए वापस देना पड़ेगा क्या? हाँ देना पड़ेगा. अगर ये सेक्शन 8 कंपनी होती तो कॉन्फिसिकेट कर सकते थे. तो नीचे आपने एप्लीकेशन लिखना है जो हमने लिखा है. साथ में ये भी लिखना है कि 1 लाख का फीस किसको नहीं लगता. ये भी लिखना है कि 1 लाख का फीस आपको कब रिफंड मिलेगा. सो एप्लीकेशन फीस रिफंड और यहां पे किसको नहीं लगता शायद वो नहीं लिखा है. तो ऑल्सो राइट एड टू हुम इट इज नॉट एप्लीकेबल. क्लियर है? तो यहां पे बोला गया है हाउएवर डी हैज सिक्योर्ड 30% वोट सो कंसीडरिंग मोर देन 25% टोटल वोट हैज बीन कास्टेड इट सैटिस्फाइड. क्लियर है? 1 लाख रिफंड कर दो. अगला अब अगले क्वेश्चन है 161 पे. हालांकि 161 हमारा रेगुलर बैच में हुआ नहीं है तो इसका क्वेश्चनर हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो लोग क्वेश्चनर देखने आए हैं. अगले सेक्शन के ऊपर मैं जा रहा हूं जो है 161 पे बहुत सवाल होंगे क्योंकि इसके अंदर एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी और कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर्स है. सो बहुत ही ज्यादा सवाल होंगे इसमें. ये आया 162 पे. ठीक है सीधा क्वेश्चन नंबर 90 मतलब आप देखो 69 से सीधा 90 तो नियरली 20 क्वेश्चंस तो भी है आपके 161 में जो अलग इसके अंदर आएंगे. चलो इन एबीसी लिमिटेड 3 डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड द आइटम वॉज इंक्लूडेड इन एजेंडा फॉर एनुअल जनरल मीटिंग शेड्यूल्ड ऑन 30th सितंबर 2014 अंडर कैटेगरी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस. ऑल द 3 पर्सन्स आर प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेर इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय पासिंग अ सिंगल रेजोल्यूशन अवॉइडिंग द रिपीटेशन और मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेजोल्यूशन. आफ्टर 3 डायरेक्टर्स ज्वाइन द बोर्ड सर्टन मेंबर्स ऑब्जेक्टेड देयर अपॉइंटमेंट एंड रेजोल्यूशन. Examine the provision of the Companies Act whether the contention of the member shall be tenable. Yes. आपने unanimous motion जब तक पास नहीं किया. देखो 162 में दो चीज है. एक होता है unanimous motion जो होता है बेस जिस motion के ऊपर आप ordinary resolution पास करते हो जिसमें दो या दो से ज्यादा director appoint होंगे. अब जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है उनको यह concept थोड़ा सा दिक्कत जाएगा पर यह आप ठीक से पढ़ना. 162 में दो वर्ड यूज किया. एक वर्ड यूज किया है मोशन एक यूज किया है रेजोल्यूशन. मोशन मींस सपोर्टिंग मोशन मींस बेस. यूनानिमस मोशन पास करना है जिसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पावर मिलेगा. ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है मोशन है. मोशन में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पावर मिलेगा कि इस रेजोल्यूशन में आप दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो. क्लियर है? इतना क्लियरली आपको पता होना चाहिए. बहुत सारे बच्चों को ये शायद नहीं पता होगा. आपको लगेगा सर ये क्या बता रहे लेकिन आप 162 का बेल टेक्स्ट पढ़ के देखिए. मोशन और रेजोल्यूशन ये दो वर्डिंग्स आपको जरूर दिखेंगे. ठीक है सो अब बताइए प्रोसीजर क्या है. सो सिंपल सी बात है कंपनी शॉल नॉट अपॉइंट टू और मोर डायरेक्टर्स इन वन रेजोल्यूशन अनलेस यू पास जनरल मीटिंग यूनानिमस रेजोल्यूशन विच इज एक्चुअली अ मोशन. मोशन ठीक है लिख के रखिए. देयरफॉर इफ अ कंपनी पास यूनानिमस रेजोल्यूशन एंड अप्रूव पासिंग ऑफ वन जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टू डायरेक्टर्स. देखो अ कंपनी पास यूनानिमस रेजोल्यूशन दैट इज अ मोशन टू पास जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दैट इज अ रेजोल्यूशन. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? देन सेम इज परमिटेड. उसके बाद में इफ द कंपनी पासेस अ रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टू और मोर डायरेक्टर्स इन वन रेजोल्यूशन विदाउट पासिंग जीएमयूआर इन सच अ रेजोल्यूशन इज वॉइड. यह रेजोल्यूशन क्या माना जाएगा? वॉइड एंड इट विल हैव नो इफेक्ट. अ नॉमिनेशन ऑफ अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट विल बी ट्रीटेड एज द मोशन ऑफ द अपॉइंटमेंट. ठीक है नीचे इन द गिवन केस द मैटर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग एट एनुअल जनरल मीटिंग हैज बीन करेक्टली स्टेटेड इन अजेंडा एज ऑर्डिनरी बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द जनरल मीटिंग. ये बराबर है कि वो ऑर्डिनरी बिजनेस है. इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है. डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं 4 DADA दादा ऑर्डिनरी बिजनेस कितने होते हैं 4 DADA डायरेक्टर ऑडिटर डिविडेंड अकाउंट्स. तो ये सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है. हाउएवर एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन स्टेटेड अबव टू और मोर डायरेक्टर शॉल नॉट बी अपॉइंटेड इन सिंगल रेजोल्यूशन अनलेस जनरल मीटिंग यूनानिमस रेजोल्यूशन इज पास्ड फॉर द अप्रूवल ऑफ सच ए डायरेक्टर. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. उसके बाद में इन द गिवन केस द कंपनी डिड नॉट पास द सेम थस द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इन द सिचुएशन इज इनवैलिड.
कंसिडरिंग द अबव सिचुएशन कंटेंशन ऑफ द मेंबर इज वैलिड इन लॉ. अब देखो एग्जैक्ट आंसर दिया है, जो सवाल में पूछा वो लिखना जरूरी है. उन्होंने क्या पूछा, कंटेंशन ऑफ मेंबर सही है क्या, आपने लिखना चाहिए कंटेंशन ऑफ मेंबर सही है. अगर आप यहां पे यहां तक आंसर लाते हो तो अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड, और बाद में कंटेंशन ऑफ मेंबर इनवैलिड है ये नहीं लिखते हो तो मैं आपको बोलता हूं यहां पर आपका एक से लेके दो मार्क्स तक के भी कट सकता है. मतलब एक से लेके दो मार्क्स आपका हो सकता है यहां कट जाए. क्लियर है आंसर, क्योंकि आपने आंसर कंक्लूड नहीं किया. ऑल्सो सिंगल रेजोल्यूशन पास फॉर अपॉइंटमेंट इज वॉइड, साथ में रेजोल्यूशन भी वॉइड कर दिया. ईच डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड सेपरेटली, ये सजेस्ट भी कर दिया, तो यहां मार्क्स कटने को कोई चांस नहीं है. बच्चे क्या करते हैं, बोल देते अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड, पर जो सवाल पूछा है वेदर कंटेंशन इज वैलिड ये आपने कंक्लूड नहीं किया तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे बेटा. ये चीज को आपने याद रखना. क्लियर है. अगला क्वेश्चन 91. XYZ Company Limited in its annual general meeting appointed all its director by passing one single resolution. Appointed all its director. देख रहे हो तमाशे? By passing one single resolution. No objection was made in the resolution. Examine the validity of appointment of director explaining relevant provisions of the Companies Act. Again मैं section 162 की provision यहां quote करूंगा. देखिए 162 quote किया, नीचे conclude करूंगा. Therefore द रेजोल्यूशन, पहला तो ये गिवन वाला एरिया है, नीचे द रेजोल्यूशन अपॉइंटिंग ऑल डायरेक्टर बाय सिंगल रेजोल्यूशन इज वॉइड, कॉन्सिक्वेंटली अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर इज ऑल्सो वॉइड, इट इज इमटेरियल, नो मेंबर हैज ऑब्जेक्टेड टू द सेम और नॉट. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 162 में लिखा है, भले ही मेंबर उसको ऑब्जेक्ट करे या ना करे इससे फर्क नहीं पड़ता. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना. पर इसके अंदर मैंने 176 का यहां पे क्रॉस रेफरेंस दिया है स्टार मार्क करके, ये एडिशनल है. अब ये चाहो तो आप लिखो, आप ना चाहो तो मत लिखना. एडिशनल रेफरेंस, राइट एट योर ओन रिस्क, लेकिन मुझे लिखना सही लगा है इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है. ठीक है. एज पर 176 एक्ट्स डन बाय दीज डायरेक्टर शॉल नॉट बी इनवैलिड टिल डिफेक्ट इन देयर अपॉइंटमेंट इज नोटिस्ड बाय कंपनी. अगर डिफेक्ट कंपनी को पता ही नहीं होगा 162 कॉन्ट्रावेंट किया है तो 176 इनके एक्ट्स को वैलिड करता है. ये चीज को याद रखना. प्रोविजन ऑफ 162 डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनीज, ये आपको ऑलरेडी पता होगा. देयरफॉर कंपनी इन द प्रेजेंट केस इज अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न्स. ठीक है. द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर बाय सिंगल रेजोल्यूशन इज वैलिड. क्यों? क्योंकि कंपनी सिर्फ प्राइवेट कंपनी थी इसलिए. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना. कंपनी सिर्फ प्राइवेट कंपनी थी. देखिए यहां बोला गया है will it make any difference if XYZ Limited is a private company? Yes, it will make a difference. अगर आपकी कंपनी सिर्फ प्राइवेट कंपनी है इसलिए. क्लियर है कंसेप्ट? क्वेश्चन काफी अच्छा था, मैं इसको स्टार मार्क करके रखना चाहूंगा 162 के लिए. यहां 162 के सवाल होते हैं खत्म. 163 हम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट चैप्टर के साथ में लेने वाले हैं बच्चों, तो 163 हम वहीं से पढ़ेंगे. क्लियर है कंसेप्ट? कितने गया 163 के ऊपर सवाल ही नहीं है. हे भगवान, ए भगवान, उई भगवान. ठीक है चलो 162 का लास्ट सवाल. मिस्टर बॉन्ड एंड मिस्टर जेम्स वेर अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ जेम्स बॉन्ड लिमिटेड. वाह वाह वाह, क्या सवाल है. मे 18 का जिसने पेपर ड्राफ्ट किया है बड़ा स्पाई मूवी देख रहा होगा. एट द एजीएम हेल्ड ऑन 30th September 2017 बाय सिंगल रेजोल्यूशन स्टेट द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. रिपीट. ठीक है, सेम ही आंसर आएगा. ठीक है, तो ये चीज को याद रखना, इसको होमवर्क में लेना. यहां 162 खत्म होता है. 163 के ऊपर कोई सवाल नहीं है, नो क्वेश्चंस ऑन 163. 164 हमारा ऑलरेडी हो चुका है, 165 भी हमारा ऑलरेडी हो चुका है. 166 के ऊपर हम जा रहे हैं. आ जाइए, मुझे लगता है फटाफट क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे आज, है ना. चलो आ जाइए 166. आर यू रेडी? सो पहला सवाल, एक्स वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर फॉर लाइफ. क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 पे आइए. 110, एक्स वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर फॉर कंपनी, डायरेक्टर फॉर लाइफ बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 May 2008. द आर्टिकल एम्पावर्ड एक्स टू अपॉइंट अ सक्सेसर, एक्स अपॉइंटेड बाय विल जी द सक्सेसर आफ्टर हिज डेथ. कैन जी सक्सीड एक्स डायरेक्टर आफ्टर द डेट ऑफ एक्स? प्राइवेट कंपनी है, एक्स को अपॉइंट किया लाइफ के लिए, उसने खुद का सक्सेसर भी अपॉइंट किया जो है जी, क्या जी उसको सक्सीड कर सकता है प्राइवेट कंपनी में? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टार मार्क करके रखिए. एग्जाम में पूछा तो बहुत ही कम लोग रहेंगे जो इसको ऑप्ट करेंगे. ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा इसका आंसर वही ऑप्ट कर पाएंगे. ठीक है, अब 166 क्या कहता है जरा देखना. किसी भी डायरेक्टर ने खुद को ऑफिस असाइन नहीं करना चाहिए, बट एक बात आपने याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस इन सक्सेशन
एंड असाइनमेंट। 166 कहता है असाइनमेंट अलाउड नहीं है, पर 166 सक्सेशन के लिए कुछ नहीं कहता। असाइनमेंट दो जिंदा लोगों के बीच में होता है, लिविंग पर्सन ने अगर लिविंग पर्सन को कुछ ट्रांसफर किया तो असाइनमेंट है, अगर किसी डेड पर्सन ने किसी लिविंग पर्सन को कुछ ट्रांसफर किया तो ये सक्सेशन है। असाइनमेंट इनवैलिड है, सक्सेशन के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है। पहले तो आप सक्सेशन असाइनमेंट का डिफरेंस समझिए बेटा, बहुत सारे बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता। अब द गिवन केस इज डिस्कस्ड एज फॉलोस, आंसर देखना, पहले तो वही बोला गया है, जी सक्सीडेड हिम एज अ डायरेक्टर आफ्टर हिज डेथ, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट डायरेक्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम असाइनिंग ऑफिस, द वर्ड इज यूज्ड इन सेक्शन 166 इंडिकेट दैट प्रोहिबिशन अप्लाई ओनली व्हेन ऑफिस इज हेल्ड बाय डायरेक्टर इज असाइंड टू एनी अदर पर्सन, वेदर डायरेक्टर डाइज द ऑफिस हेल्ड बाय हिम बिकम वैकेंट एंड देयरफॉर सच ऑफिस कैनॉट बी असाइंड टू एनी अदर पर्सन, देयरफॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू पर्सन इन सच ऑफिस डज नॉट अमाउंट टू असाइनमेंट। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू पर्सन इन सच ऑफिस डज नॉट अमाउंट टू असाइनमेंट विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 166। ये केस हुआ था ओरिएंटल मेटल प्रेसिंग्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस बीके ठाकुर वाला। द फैक्ट ऑफ द गिवन केस आर आइडेंटिकल टू द फैक्ट्स डिस्कस्ड इन द अबव केस, अकॉर्डिंगली इट कैन बी सेड दैट अपॉइंटमेंट ऑफ जी इज वैलिड एंड इट डज नॉट अमाउंट टू असाइनमेंट ऑफ ऑफिस बाय एक्स। मैंने बोला था सक्सेशन असाइनमेंट में डिफरेंस है। ये आंसर आपके लॉजिक को नहीं पटेगा, पर इसका मार्किंग करके रखो और एक बार वापस से रीड करो, बड़ा काम का है। गो फॉर इट फास्ट। चलो डन, पढ़ लिया सबने। ओके सो यहां पे आपका 166 के भी सवाल खत्म होते हैं। अगला 167 हमारा ऑलरेडी हो चुका है 164 के साथ, सो मैं आगे जाना चाहूंगा 168 पे, जो है रेजिग्नेशन बाय डायरेक्टर। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है 115, प्लीज आ जाइए एवरीबॉडी। ड्यू टू इंटरनल प्रॉब्लम इन वर्किंग ऑफ मेसर्स इनफाइटिंग डिटर्जेंट्स लिमिटेड, हे भगवान कैसा नाम है। ठीक है, मिस्टर सत्यम एंड मिस्टर शिवम द डायरेक्टर हैज सबमिटेड देयर रेजिग्नेशंस। वाह, सत्य
नित्यं शिवं सुंदरं रिजाइन एंड डिसाइडेड टू डिसोसिएट देमसेल्फ विद द वर्किंग ऑफ कंपनी. मिस्टर सुंदरम द मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइड्स टू रिफ्यूज देयर रेजिग्नेशन. ये और भारी निकला. सत्यम शिवन बोले दोनों रिजाइन कर दिया, सुंदरम बोलता है मेरे को तुम्हारा रेजिग्नेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अथू ही रिजेक्टेड द सेम. एग्जामिन वेदर मैनेजिंग डायरेक्टर कैन कंपेल मिस्टर सत्यम एंड मिस्टर शिवम टू कंटिन्यू. नहीं, डायरेक्टर शुड रिजाइन इन राइटिंग. पॉइंट नंबर वन, ही कैन रिजाइन एट विल. पॉइंट नंबर टू, रेजिग्नेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट कम्युनिकेटेड टू कंपनी और द डेट मेंशन इन रेजिग्नेशन विच एवर इज लैटर. क्लियर? नो पर्सन कैन रिजेक्ट द रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, सिंपल एज दैट. तो नीचे साथ में डीआर 11 फाइल करो 30 डेज में, आरओसी को डायरेक्टर फाइल करेगा, डीआर 12 कंपनी फाइल करेगा आरओसी को 30 डेज में. आ जाइए. सो यहां पे लिखा गया होगा सब कुछ, देखिए इन राइटिंग. बोर्ड शॉल टेक अ नोट ऑफ द सेम. जैसे ही रिजाइन कर दिया, डीआर 12 30 डेज में, डीआर 11 30 डेज में. इट विल बी इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय कंपनी और इफ or the date if any specified by director in the notice whichever is latter. Director is liable for all the acts he has done during his tenure. The given case discussed as follows. The law does not give an option to a managing director or the company or board. Law does not give an option board to reject the resignation of the director and is wajah se force him. Therefore in the given case managing director cannot compel Satyam and Shivam to continue. To सत्यम शिवम सुंदरम. आगे, मिस्टर राज डायरेक्टर ऑफ पोल लिमिटेड सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर, क्वेश्चन नंबर 116, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 30th जून. 30 जून को रेजिग्नेशन फेंक के मारा, डेट मेंशन किया, मतलब कुछ तो भी झोल है. एंड ऑब्टेन द रिसीट देयर ऑफ ऑन द सेम डे. सेम डे को रिसीट ले लिया, मतलब 30 जून को रेजिग्नेशन कंपनी से कम्युनिकेट हो चुका था. The board of director of Pol Limited neither accepted the resignation nor did they file the required form of resignation with the registrar. DR 12 भी file नहीं किया, पर एक बात याद रखना, non-filing की वजह से resignation के ऊपर कोई असर नहीं होता. सवाल बड़ा अच्छा है, मैं स्टार मार्क करना चाहूंगा. ठीक है, reject भी नहीं किया, neither accepted nor filed DR 12. You are required to state whether Mr. Raj ceased to be, whether Mr. Raj ceased to be director of Pol Limited. If yes, since when? He is ceased to be a director since 30th June 2014. Clear again, sir? नीचे वही प्रोविजन लिखी है. Shame to shame. राइटिंग में दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोट करेंगे 30 डेज, DR 12, DR 11 30 डेज. ठीक है, इफेक्टिव फ्रॉम नोटिस रिसीव्ड बाय कंपनी और स्पेसिफाइड बाय डायरेक्टर विच एवर इज लैटर. डायरेक्टर इज लाइबल टू एक्ट्स ऑल डन ड्यूरिंग हिज टेन्योर. पास्ट एक्ट्स के लिए डायरेक्टर लाइबल रहेगा, यह भी उतनी ही सच बात है. मिस्टर राज गिवन, हाउएवर स्टेटेड अबव, नॉन फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म डज नॉट मेक अ रेजिग्नेशन इनवैलिड एज इट इज इररेगुलरिटी ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी एंड द डायरेक्टर कैनॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम. थस रेजिग्नेशन विल बिकम इफेक्टिव. सॉरी, जिसने हेडफोन लगा होगा, सॉरी. ठीक है, लेट्स गो. ये चीज को याद रखना. If company fails to intimate about the resignation, Mr. Raj to ROC, even the resignation of Vijay. Vijay कहाँ से आया? Vijay कहाँ से आया? Vijay sir का नाम आ गया है तो DT वाले. Resignation shall take effect from the date on which received by company, if any specified by Raj in the notice, whichever is later. Clear again sir? तो इसको मिटा के रख देना. ठीक है? आगे बढ़े बच्चा, लेट्स गो. क्वेश्चन 117, विजय अ डायरेक्टर. अच्छा, ये विजय वाला सवाल नीचे था, वो ऊपर कॉपी पेस्ट हो गया. ठीक है, विजय डायरेक्टर रिजाइंड आफ्टर गिविंग अ ड्यू नोटिस टू द कंपनी एंड ही फॉरवर्डेड कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन इन ई फॉर्म डीआर 11 टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम. व्हाट वुड बी अ स्टेटस ऑफ विजय इफ द कंपनी फेल्स टू इनिशिएट अबाउट अ रेजिग्नेशन ऑफ विजय टू द आरओसी. रिपीट सवाल, फिर भी रेजिग्नेशन इफेक्टिव रहेगा तो आंसर लिख के रखिए, स्टिल रेजिग्नेशन इज इफेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 118, और बाप रे लंबा छोटा सवाल है. आ जाइए. मिस्टर राम हैव बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड ड्यू टू हिज होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन इट्स होल्डिंग कंपनी एबीसी लिमिटेड. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मिस्टर राम वॉज ऑफर्ड एच एक्सएल लिमिटेड टू ज्वाइन द कंपनी एज अ मैनेजरियल पर्सन ऑन अ वेरी गुड पैकेज.
ही ऑफर्ड द सेड पोजिशन ऑन द टर्म दैट ही हैड टू रिजाइन फ्रॉम द एबीसी लिमिटेड. मिस्टर राम सर्वड नोटिस इन राइटिंग. राम ने बोले राइटिंग में नोटिस दे दिया ऑन द कंपनी बाय मेल, मेल के थ्रू दिया एंड थ्रू द पोस्ट ऑफ हिज रेजिग्नेशन ऑफ ऑफिस ऑन 1 फरवरी 2018. हिज नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन स्पेसिफाइड डेट ऑफ 15 फरवरी 2018 एज द लास्ट डेट इन द एबीसी लिमिटेड. विच एवर इज आपको लेना है लेटर, तो आएगा विच एवर इज लेटर, तो आएगा 15 फरवरी 2018 से रिजिग्नेशन इफेक्टिव होगा. हाउएवर ड्यू टू प्रेशर एक्सेल लिमिटेड ही ज्वाइंड द कंपनी ऑन 13 फरवरी 2018. उसने कंपनी को 13 फरवरी को ही ज्वाइन कर लिया. एनालाइज एंड इंटीग्रेट एंड अप्लाई द टर्म्स ऑफ कंपनीज एक्ट. लीगल पोजिशन ऑफ राम इन द गिवन सिचुएशन. इस गिवन सिचुएशन में राम की हालत क्या है? होल्डिंग अ डायरेक्टरशिप ऑफ मिस्टर राम इन एक्स लिमिटेड after ceasing to hold office of MD in ABC Limited, joining XL Limited on 13 फरवरी. पहली बात, तो resign कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. और दूसरी बात, अच्छा ये सवाल अब किसके ऊपर कंबाइन है, इसके ऊपर जरा सा सवाल ध्यान देना. सवाल तो प्राइमरीली 168 पे है, पर ये 167 सबसेक्शन 1 के क्लॉज H पे भी है. अगर आपने 167 सबसेक्शन 1 क्लॉजेस पढ़ा होगा, वैकेशन ऑफ ऑफिस, अगर आप होल्डिंग कंपनी में कोई जगह लेते हो, ठीक है, आपका कोई जॉब है होल्डिंग कंपनी में या कोई पोस्ट है होल्डिंग कंपनी में या डायरेक्टरशिप है, जिस वजह से आपको सब्सिडरी कंपनी में भी कोई पोस्ट मिलता है, होल्डिंग की वजह से आपको सब्सिडरी में पोस्ट मिलता है, अगर आपका होल्डिंग का ऑफिस गायब हो जाए तो आपका सब्सिडरी का भी पोस्ट गायब हो जाएगा. यहां देखिए क्या बोला है, मिस्टर राम हैव बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एक्स लिमिटेड Due to his holding of an office as a managing director in holding company ABC Limited, ठीक है, और उसने resign किया from ABC Limited, मतलब holding company से Mr. Ram ने resign किया है. मतलब अगर मैं बोलू Mr. Ram, diagram draw करूं, तो Mr. Ram is a director of ABC Limited, is a director of ABC Limited, जिस वजह से Mr. Ram को X Limited के अंदर इज एमडी ऑफ एबीसी लिमिटेड, जिस वजह से उसको एक्स लिमिटेड के अंदर डायरेक्टर बनाया गया. अब उसने एबीसी लिमिटेड से रिजाइन कर दिया तो उसकी एमडीशिप चली जाएगी, एमडीशिप चली जाएगी तो नीचे की डायरेक्टरशिप भी चली जाएगी, बिकॉज ये होल्डिंग कंपनी के अपॉइंटमेंट पे डिपेंड थी. क्लियर है? सो नीचे पूछा है होल्डिंग डायरेक्टरशिप ऑफ मिस्टर राम, ये 167(1)(h) है. हाँ, ये 167(1)(h) का सवाल है, बहुत सारे बच्चे इसको आंसर नहीं कर पाएंगे जिन्होंने इसको ठीक से नहीं पढ़ा. यहां पे होल्डिंग डायरेक्टरशिप ऑफ मिस्टर राम इन एक्स लिमिटेड ये भी चला जाएगा आफ्टर ही रिजाइन्स फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, बिकॉज होल्डिंग की वजह से सब्सिडरी में पोस्ट था. एंड एक्सएचएल लिमिटेड को 13 फरवरी को ज्वाइन नहीं कर सकता, ये कॉन्ट्रावेंशन है, उसको पेनल्टी लग सकता है, वो 15 फरवरी के बाद ही ज्वाइन कर सकता है HXL लिमिटेड को. तो यहां पे देखो बोला गया होगा, देखो बराबर मैंने 167 सबसेक्शन 1 क्लॉजेज मेंशन किया है, फिर सेक्शन नंबर 168 मेंशन किया है. क्लियर है? समझियो, कहीं समझ में आ रहा है? द गिवन केस डिस्कस फॉलो. इन द प्रेजेंट केस राम हैव बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ड्यू टू होल्डिंग ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इन इट्स होल्डिंग कंपनी एबीसी लिमिटेड. ठीक है, अब सभी फैक्ट उन्होंने मेंशन किए. नीचे Holding a directorship of Mr. Ram in X Limited is invalid as he ceased to hold office in ABC Limited and he is liable to vacate. If he functions as a director in X Limited knowing that the office of the director held by him becomes a vacant, फिर भी अगर वो X Limited में रहता है तो 167 subsection 2 की पेनल्टी यहां बोली गई है, 167 subsection 2 की, जो है 1,00,000 से 5,00,000, और इसमें आपको जेल हो सकता है 1 year तक का. क्लियर है? दूसरा, ज्वाइनिंग दिस इज नॉट वैलिड एज रेजिग्नेशन ऑफ एबीसी विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस और द डेट जो मेंशन की है, दैट इज 15 फरवरी. इस केस में वो कॉन्ट्रावेंशन के लिए लायबल हो सकता है. ये है आपका सेक्शन नंबर कौन सा, दैट इज 168 रेजिग्नेशन. क्लियर है कंसेप्ट? चलो, मैं चाहूंगा ये सवाल काफी अच्छा था, इसको स्टार मार्क करके रखते हैं, एग्जाम में जरूर आ सकता है. ये रेजिग्नेशन का काफी अच्छा सवाल था. ठीक है, मैं चाहूंगा आंसर एक बार वापस पढ़ के देखिए.
डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिए अगर आपको लगता है तो। पढ़ना हो गया सबका। अब मैं अगले सेक्शन के ऊपर जा रहा हूं। 169, 169 हमारा नहीं हुआ है तो 169 लेंगे, फिर 170 लेंगे, फिर 171, फिर 172। ठीक है, आ जाइए। सो 169 क्वेश्चन नंबर 119। मिस्टर स्टबन इज अ डायरेक्टर ऑफ डाउटफुल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ही अलोंग विद द अदर टू डायरेक्टर्स हैज बीन रनिंग द कंपनी फॉर द पास्ट 20 ईयर्स। बोले 20 साल से कंपनी चला रहे हैं विदाउट डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड और गिविंग एनी बेनिफिट टू शेयर होल्डर्स। किसी को कोई बेनिफिट नहीं दिया, हालांकि ऐसे तो माइक्रोसॉफ्ट भी रन हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी कभी किसी को कोई डिविडेंड नहीं दिया। फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस, सम ऑफ द शेयर होल्डर आर डिजायरस ऑफ गिविंग अ नोटिस टू पास अ रेजोल्यूशन विद द सपोर्ट ऑफ अदर शेयर होल्डर फॉर हिज रिमूवल एज अ डायरेक्टर इन अ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी टू बी हेल्ड इन अ मंथ ऑफ द डिसंबर 2014। सेट अ प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द रिमूवल ऑफ मिस्टर सबन एज अ डायरेक्टर। प्रोसीजर बोलिए मतलब डायरेक्ट सवाल है, ठीक है, एज अ डायरेक्टर एंड राइट ऑफ मिस्टर सबन टू डिफेंड हिज पोजिशन। अब स्टबन के पास दो राइट है, पहला है रॉ राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है वो बी एच अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड। मैंने क्लास के अंदर ये चीज को बहुत एक चीज एक्सप्लेन की थी। अब जो सिर्फ क्वेश्चन और डिस्कशन देख रहे हैं उनको मेरे पास बताने के लिए इतना समय यहां नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताऊं कि 169 में बेटा कुछ छह चीजें आती है एज अ नोटिस वगैरह सब मिला के। पहला आता है रिक्विजिशनिस्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नोटिस जो होता है 14 डेज का फॉर रिमूवल। फिर उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मेंबर्स का नोटिस जो होता है 7 डेज का, साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो देते हैं हम 102 में। उसके बाद में राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा टू डायरेक्टर जिसको रिमूव कर रहे हैं, उसी डायरेक्टर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड मिलेगा, ओबीएच मिलेगा। ये हो गई पांच चीजें ओबीएच। अब राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में डिफरेंस है। राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन राइटिंग में देते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है। इसको समझाने के लिए नियरली 20 25 30 मिनट लग जाते हैं पूरे चार्ट को, बट मैं शॉर्ट में यहां पर बता रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा मैं किसी स्टूडेंट से आप पूछने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट वाला चीज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बाद नो रीजन फॉर रिमूवल इज रिक्वायर्ड। ये डिसाइड किया गया था एलआईसी वर्सेस स्कॉट्स लिमिटेड में, डायरेक्टर को रीजन ऑफ रिमूवल देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ये छह चीजें अलग चीजें हैं इन द फॉर्म ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 169। इनको ऐसे ही याद करना है, इसका एक चार्ट आप बहुत अच्छे से देख सकते हो मेरे स्टूडेंट्स के पास, ठीक है, जो क्वेश्चनर के लिए। अब समय के अभाव की वजह से मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वेरी सॉरी, ठीक है। अब नीचे देखो क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले प्रोसीजर, तो पहली बात आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से डायरेक्टर रिमूव कर सकते हो, लेकिन ट्रिब्यूनल एनसीएलटी वाला डायरेक्टर या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला डायरेक्टर ये आप यहां पर रिमूव नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने 115 के हिसाब से नोटिस देनी चाहिए एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी एटलीस्ट 14 डेज बिफोर, ठीक है। फिर नोटिस का एक कॉपी आपने डायरेक्टर को भेजना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्टर कंसर्न्ड नॉट अ मेंबर शॉल बी एंटाइटल्ड टू बी हर्ड ऑन द रिजोल्यूशन।
डायरेक्टर को राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये राइट मेंबर्स को रेजोल्यूशन के साथ दिया जाएगा नोटिस के साथ में, या फिर हर मेंबर को यह नोटिस के साथ दिया जाएगा, या फिर आप इस राइट को रीड आउट कर सकते हो मीटिंग के अंदर, जो आप राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हो रीड आउट कर सकते हो मीटिंग में मेंबर के। उसके बाद में अगर आपने ये राइट को अब्यूज किया नीडलेस पब्लिसिटी के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में ये राइट आपका कॉन्फिस्केट भी हो सकता है। तो यहां मैं साइड में लिख के रखता हूं, शायद वो मेंशन नहीं किया है। सो राइट इज अब्यूज फॉर पब्लिसिटी, फॉर पब्लिसिटी एनसीएलटी कैन कॉन्फिस्केट द सेम। ठीक है, thus Mr. Saban, a company shall follow the above procedure and Mr. Saban shall have the right to make a representation for preventing himself from the removal. बस इतना, और opportunity of being heard जो question answer form में वो कर सकता है। ठीक है, so साथ में आप लिख सकते हो OBH for questions of members। ये चीज को याद रखना। Mr. X, a shareholder in Messrs. ABC Limited holding 50,000 equity shares of 10 each fully paid, want to give a special notice to a company for removal of Mr. M. Special notice देना चाहता है, मतलब 115 mention किया है। हालांकि ऊपर वाले section के अंदर कहीं पे भी मैंने नहीं देखा कि 115 mention किया है, तो आप please mention करके रखिए यहां पे notice under 115, साइड में चाहिए तो लिख के रखिए notice under सेक्शन 115। ठीक है, क्योंकि उसमें 1% ऑफ, और 115 का नोटिस कौन देता है, तो 1% ऑफ वोटिंग पावर जिसके हाथ में है, या 5,00,000 का कैपिटल जिसके हाथ में है, विच एवर इज लोअर वाला रिक्विजिशनिस्ट होता है, जो बोर्ड को 14 डेज का नोटिस देता है, फिर बोर्ड 7 डेज पहले नोटिस मेंबर्स को देता है। क्लियर है, चलो। मिस्टर एक्स इज अ शेयरहोल्डर इन एबीसी लिमिटेड होल्डिंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, वांट टू गिव अ स्पेशल नोटिस टू अ कंपनी फॉर रिमूवल ऑफ मिस्टर एम, द डायरेक्टर ऑफ मिसर्स एबीसी लिमिटेड। Without stating any reason in the notice, you are required to state as per the provision of Companies Act whether Mr. X is entitled to do so. क्या Mr. X ऐसा कर सकता है? क्या Mr. X के अंदर इतना दम है कि वो ऐसा कर पाए? तो देखो answer. Special notice वो दे सकता है, बिल्कुल removal के लिए दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1242 के director को हकालने के लिए मत देना, proportional representation को हकालने के लिए मत देना। यहां proportional representation वाला point भी लिख दो, PR वाला director, PR proportional representation of 163 cannot be removed. ठीक है, फिर इसके अंदर प्रोसीजर बोला गया है, स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ समबडी इन हिज प्लेस, 14 क्लियर डेज नोटिस देना चाहिए, शॉल बी सेंड नॉट अर्लियर देन, नॉट टू बी सेंट अर्लियर देन 3 months, 3 महीने से पहले नहीं देना चाहिए, बिकॉज ये 115 का रिक्वायरमेंट है। 115 बोलता है कि 14 डेज पहले, बट 3 मंथ से पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सीए इंटर का बेसिक है। ठीक है, उसके बाद में कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट वेयर बाय प्रोविजन कंटेंट इन द एक्ट और एनी अदर आर्टिकल्स, कौन रिक्विजिशन दे सकता है, 1% ऑफ वोटिंग पावर होल्डर या 5,00,000 का जिसने कैपिटल होल्ड किया है वो। रीजन देने की जरूरत नहीं है, नॉट बाउंड टू गिव अ रीजन, ये एलआईसी वर्सेस एस्कॉर्ट्स लिमिटेड में डिसाइड किया गया है। इन द गिवन केस डिस्कस्ड, शेयर होल्डर holding 50,000 equity shares of 10 each fully paid want to give a notice for removal of director without stating a reason of in the notice, X is entitled to give a special notice to the company. Clear concept? ये चीज़ को याद रखना। अगला सवाल है 121. Mr. X named as a director for the life in the article of association of ABC Limited which was incorporated on 1st April 2012. Director appointed for life. क्या director appointed for life 169 में remove होता है? हमने 169 के bomber में देखा था कि हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको लगता है रिमूव नहीं हो सकते पर वो हो सकते हैं। डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर लाइफ क्रेडिटर्स का डिबेंचर ट्रस्टी या डिबेंचर होल्डर्स का ट्रस्टी है, जो डायरेक्टर है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं पर लगता नहीं है। डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर लाइफ कैन बी रिमूव्ड अंडर 169। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड दैट द कैनॉट बी रिमूव्ड बाय द मेंबर्स। आर्टिकल बोल रहा है कि भैया वो मेंबर्स रिमूव नहीं कर सकते इन जनरल मीटिंग। सम ऑफ द मेंबर वांट टू रिमूव मिस्टर एक्स बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, सेट द रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, वेदर द प्रपोज एक्शन इज वैलिड, यस द प्रपोज एक्शन इज वैलिड, यू कैन रिमूव हिम। आप कौन से डायरेक्टर्स को रिमूव नहीं कर सकते, आई विल टेल यू, साइड में लिख के रखना, सी हु कैन बी रिमूव्ड। ये क्वेश्चन यार जो सिर्फ देख रहे हैं उनके लिए शायद नया होगा, उनको पता भी नहीं होगा, डिस्कशन के लिए ज्यादा समय नहीं है, मैं सिर्फ पॉइंट दे रहा हूं उसको याद रखना। हु कैन बी रिमूव्ड, पॉइंट नंबर वन,
डायरेक्टर फॉर लाइफ कैन बी रिमूव्ड, डिबेंचर ट्रस्टी कैन बी रिमूव्ड, सक्सेसर वगैरह अपॉइंट किया है, सक्सेशन का अभी आज ही हमने क्वेश्चन देखा था, सक्सेशन नॉमिनी कैन बी रिमूव्ड, कोई दिक्कत नहीं. हु कैनॉट बी रिमूव्ड, नीचे हु कैनॉट बी रिमूव्ड, कौन रिमूव नहीं हो सकता है. तो सबसे पहले उसके अंदर मैं बोल दूं भैया पीआर वाला डायरेक्टर अंडर सेक्शन 163, नॉमिनीज रिमूव नहीं हो सकते. जो नॉमिनी है सीजी एनसीएलटी का अंडर सेक्शन 242, और जो नॉमिनी है पीएफआई या एफआई का अंडर सेक्शन नंबर, इसके लिए कोई सेक्शन नहीं है, और जो नॉमिनी है बीआईएफआर का, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, आप इनको हकाल नहीं सकते. ये चाहिए तो आप लिख के रखिए, मतलब आपको क्लियर रहेगा किसको रिमूव कर सकते हैं किसको नहीं. गो फॉर इट फास्ट. डन एवरीबडी. ओके, सो यहां पे सेम चीज मैंने लिख के रखी है. सबसे पहले तो सेक्शन 169 इज अप्लीकेबल टू पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनी. दूसरा, आर्टिकल दैट डायरेक्टर शॉल नॉट वायलेट द स्टैट्यूटरी राइट्स गिवन टू अ शेयर होल्डर एंड अल्ट्रा वायरस ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द क्लॉज. मतलब इस सेक्शन की वजह से किसी का रिमूवल का राइट गायब नहीं होगा. सो एक केस दिया है तरलोक चंद खन्ना वर्सेस राजकुमार कपूर, सेड दैट परमानेंट डायरेक्टर कुड ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस. मैंने इसके बेसिस पे आपको ये बोला था, इन द गिवन केस डायरेक्टर एक्स अपॉइंटेड फॉर लाइफ इन द व्यू ऑफ ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ सेक्शन नंबर 6, दिस क्लॉज इज रिपंजेंट अंडर 169 and therefore void. According to a proposed action, removal of X by passing an ordinary resolution in general meeting is valid subject to compliance of procedure laid down. अब इसमें जो ये section 6 mention करके रखा है, it is बोला गया है section 6 का नाम क्या है, ये CA inter वाला section है, final वाला नहीं. और मैंने ये CA inter के basics में शायद आपको दिया था already, जिसके अंदर ये बोला है act to override MOA हुए, act to override मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. सो आर्टिकल में जो आपने बोला है कि हे कैनॉट बी रिमूव्ड, तो ये आर्टिकल वाला प्रोविजन वॉइड हो जाएगा. क्लियर है? आगे चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन 122, मिस्टर एक्स 15% शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड अदर शेयर होल्डर्स हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ही इज अ डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन. उसका रोटेशन भी नहीं होने वाला बोले. वॉज रीअपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 5 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2018. In last general meeting of the company, Mr. X seeks your advice to remove the managing director after following the procedure laid down under the Companies Act 2013. Specify the steps to be taken by Mr. X and the company in this behalf. Is it necessary to state a reason to support the resolution for removal? नहीं. तो यहाँ पे Mr. X hold करता है 15%. तो 15% का 115 के हिसाब से valid है. Yes, as per 115 it is valid because 115 में तो हमको 1% of voting power और 5 lakh का capital लगता है, whichever is lower, और यहां तो 15% hold करके रखा है. दूसरा, steps to be taken, तो इसके लिए हमको direct answer देखना पड़ेगा. Whether reason is required, no reason is required. Clear है? मैं चाहूंगा इसका answer एक बार read कर लीजिए. Go for it fast. Special notice वगैरह हर चीज यहां पे बकायदा mention की है, आप answer पढ़ के देखिए. Go for it fast.
चलो डन. नेक्स्ट क्वेश्चन 123 के ऊपर हम जा रहे हैं, आ जाइए. मिस्टर एस डी आर शेयर होल्डर ऑफ मिसेस जे के पी लिमिटेड होल्डिंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इंच फुल्ली पेड वॉन्ट्स टू गिव अ नोटिस. रिपीट सवाल, ऐसा ही एक सवाल 50,000 वाला अभी हमने देखा था, तो इसको होमवर्क में लेना. ठीक है, अगले सवाल पे जाते हैं. सेम ही आंसर आएगा, सिर्फ नाम चेंज किए गए हैं वहां पे. ठीक है, 123 के बाद अगला क्वेश्चन है 124. मिस्टर आदम 15% शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कॉन्फिडेंट इन मैनेजिंग डायरेक्टर. ये भी रिपीट है, अभी अभी हमने देखा था 15% होल्डिंग वाला. ठीक है, सो इसको भी होमवर्क में ले लेना, सेम सवाल है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 125. अ कंपनी इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. अच्छा, पीआर वाला आ गया बेटा, पीआर वाला डायरेक्टर आप हकाल नहीं सकते. कैन द डायरेक्टर्स सो अपॉइंटेड बी रिमूव्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग. नहीं, ये हो ही नहीं सकता, आपको पीआर वाले डायरेक्टर को हकाल नहीं सकते. यही नीचे लिखा गया होगा, द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन एंटायर कंपनीज एक्ट. द एओए शॉल प्रोवाइड फॉर एडॉप्शन ऑफ द मेथड ऑफ पीआर. मेथड ऑफ पीआर पहले तो मैंने यहां पे सेक्शन 163 मेंशन करके रखा है बच्चों, मतलब नियरली आप देख सकते हो यहां तक. हाँ, यहां तक आप देखो सेक्शन 163 का ही डिस्कशन है पूरा. अब 163 हमारा हुआ नहीं है, मैं 163 ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर के एंड में डिस्कस करूंगा उसके क्वेश्चनर के साथ. क्लियर है सर? इसके बाद उसने 169 लिखा है, और देखिए कौन कौन सा पर्सन आप हकाल नहीं सकते. जो अपॉइंट किया है सीजी ने नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. बीआईएफआर ना यहां पे नहीं लिखा है, बिकॉज बीआईएफआर बचा नहीं है, वो एनसीएलटी में कन्वर्ट हो चुका है. हम एनसीएलटी चैप्टर में इस चीज को समझेंगे. द गिवन केस डिस्कस्ड एज फॉलोज. इन द गिवन केस एओए ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड मिनिमम 2/3 डायरेक्टर्स शुड बी बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो यहां पे है. दस द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी रिमूव्ड अंडर 169. क्लियर है कॉन्सेप्ट? इन द गिवन केस इवन दो एओए स्टेट्स सो द प्रोविजन ऑफ सच अ रिमूवल इज मेड इन एओए इट विल बी कंसीडर्ड एज वॉइड इन लॉ. अगर आप इसको रिमूव भी करते हो या एओए में ऐसा प्रोविजन लिखते हो रिमूवल का, तो भी वो वॉइड है. अब अगले सवाल है कंबाइन क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चंस को मिला के बनाए हुए हैं. हम सिर्फ वही वाले देखेंगे जो हमारे हुए हैं, क्योंकि हमारा अल्टरनेट कैजुअल वैकेंसी वगैरह नहीं हुआ है, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं. बहुत लंबा चौड़ा सवाल है कंबाइंड क्वेश्चन का, पहले से ही स्टार मार्क कर दूं जिंदगी के अंदर, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत खतरनाक होते हैं. मे 18 में पूछा गया है, आरटीपी नवंबर 18 में ऑलरेडी था. द प्रमोटर्स ऑफ मेसर्स फ्रंटलाइन लिमिटेड लिस्टेड पब्लिक कंपनी प्रपोज टू हैव स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज 11. ठीक है, they also propose to make a managing director full-time director as a director not liable to retire by rotation. So managing director full-time director ye nr hai, non rotational. theek hai, advise the following matters as per the provision of companies act. maximum number of person who can be appointed as a director not liable to retire by rotation. to main bol sakta hu maximum 1/3 of total can be non rotational. chaliye, how many of the managing directors will have to retire by rotation every, how many remaining directors will have to retire by rotation at annual general meeting. 11 director bole hai. theek hai, 11 directors mein se 2/3 rotational hona chahiye minimum. ab agar inhone 11 mein se 2/3 rotational agar inhone bol diya, theek hai, so aap simply samajh lo ki 6.67 मतलब 7 डायरेक्टर्स रोटेशनल आएंगे कम से कम, बराबर है ना? तीन त्रिक नौ, सॉरी 7.33. ठीक है, इतने डायरेक्टर्स रोटेशनल आएंगे, मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर रोटेशनल कितने 8, और बचे 3 नॉन रोटेशनल. ऐसा होना चाहिए, या फिर आप यहां पे एक अजम्पशन ले सकते हो. ये एक प्राइमरी अजम्पशन है, अभी अजम्पशन बेसिस पे सवाल है, मैं साइड में लिख के रखू. अजम्पशन बेसिस आप दो अजम्पशन ले सकते हो. पहला तो आप अजम्पशन ये ले सकते हो कि भैया 11 में से 2/3 रोटेशनल है जो होंगे 8, और फिर आप 8 का 1/3 रिटायर करो, 8 का 1/3 रिटायर करो, जो नियरली क्या आएगा, 3 × 3 × 6 2.67, बराबर है, मतलब बराबर ना? हाँ, मतलब 3 डायरेक्टर्स आप यहां पे रिटायर करोगे. ये पहला अजम्पशन है. दूसरा अजम्पशन आप ले सकते हो कि भैया 11 में से एक एमडी गया जो नॉन रोटेशनल है, एक डब्ल्यूटीडी गया जो नॉन रोटेशनल है, तो बचे रोटेशनल डायरेक्टर 9.
फिर ये 9 का आप सीधा वन थर्ड रिटायर कर सकते हो, बिकॉज रिटायर रोटेशनल का वन थर्ड रिटायर करते हैं जो अगेन 3 आता है, पर दोनों का आंसर भले ही 3 क्यों ना हो, ऐसे सिचुएशन में आपको ये बेसिकली उस हिसाब से रिटायर करना पड़ेगा जिस हिसाब, मतलब आपको प्रोसेस देना पड़ेगा कि आपका कैलकुलेशन क्या है और उस हिसाब से रिटायर करना पड़ेगा, क्लियर है, यह चीज को आपने याद रखना। अगला सवाल पढ़ता हूं इसी में, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ सर्टन नॉमिनेशन वेर रिसीव्ड टू नॉमिनेट अ कैंडिडेट फॉर अ कंटेस्टिंग इलेक्शन, वन ऑफ द नॉमिनेशन वॉज रिजेक्टेड बाय द डायरेक्टर एज इट वॉज रिसीव्ड आफ्टर सेंडिंग अ नोटिस ऑफ एजीएम एंड दैट टू आफ्टर वर्किंग आवर्स ऑन द लास्ट डे ऑन विच नॉमिनेशन शुड हैव बीन रिसीव्ड। बापरे, मतलब ये भाई ये तूफान खूंखार, मतलब डबल ट्रिपल बॉम्बर फेवरेट सवाल हो गया ये मेरा अभी, ठीक है। कैन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंपनीज डायरेक्टर टू 18 फ्रॉम 11 बाय अपॉइंटिंग अ एडिशनल डायरेक्टर थ्रू पासिंग अ सिंगल रेजोल्यूशन, बाय अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर थ्रू पासिंग अ सिंगल रेजोल्यूशन, एक ही रेजोल्यूशन से इतने सारे एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं क्या? 7। मतलब इसके अंदर कितने सेक्शंस इन्वॉल्व है आप सिर्फ देखते रहिए, ठीक है। सबसे पहला इसके अंदर इन्वॉल्व है 152 सबसेक्शन 6 एंड 7, ये मेन सेक्शन है। उसके बाद में सेक्शन 160 इन्वॉल्व है, उसके बाद में सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 इन्वॉल्व है एडिशनल डायरेक्टर के लिए, उसके बाद में सेक्शन 162 इन्वॉल्व है अपॉइंटमेंट ऑफ टू और मोर डायरेक्टर्स इन सिंगल रेजोल्यूशन। आंसर पढ़ के देखिए, मैं अजम्पशन बेसिस पे आंसर दिया है इसका, आप एक बार सिर्फ आंसर पढ़ के देखिए, दिमाग खराब हो जाएगा कितनी सारी प्रोविजन आप लिखोगे और कितनी नहीं लिखोगे ये समझने में ही आपको तकलीफ हो जाएगी। तो ये देखिए, अब मैं सीधा आंसर पे आ रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि प्रोविजन तो ऑलरेडी आर देयर, ठीक है। सो 8 ये 2/3 मैंने लिया है जो रोटेशनल रहेगा, मैंने वो अजम्पशन लिया, आप दोनों में से कोई भी अजम्पशन ले सकते हो, और 2/3 8 का 1/3 शॉल रिटायर जो हमने 3 रिटायर किया है, ठीक है। 160 के अंदर हम नोटिस देंगे फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, नॉमिनेशन हम 160 में दे सकते हैं, लास्ट डे ऑन विच नॉमिनेशन शुड हैव बीन रिसीव्ड 6 AM से 9 PM के बीच में नॉमिनेशन मिलना चाहिए। हाँ, जिन्होंने क्वेश्चन या सिर्फ डिस्कशन देख रहे हैं उनको ये प्रोविजन नहीं पता होगा, 14 डेज पहले जब आप कंपनी के जनरल कंपनी में नोटिस देते हो, 14 डेज 101 का 21 डेज का नोटिस तो 160 में नहीं लगता फॉर न्यू डायरेक्टर, जब 14 डेज का नोटिस देते हो 14 डेज पहले, तो ऐसा नहीं कि ये बिजनेस आवर्स में ही देना चाहिए, इसके ऊपर केस हुआ है, ये बिजनेस आवर्स के बाद में भी दिया जा सकता है रीजनेबल टाइम में, मतलब मॉर्निंग 6 AM से लेकर 9 PM तक के, वो भी चीज मैंने यहां पे मेंशन करके रखी है, ये हमने रेगुलर बैच में लिटिगेशंस के अंदर केस लॉस के अंदर ऑलरेडी देखा था, क्लियर है कांसेप्ट। उसके बाद में लास्ट डे ऑन विच रिजेक्टेड द डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर कंसीडर सच अ नॉमिनेशन इज वैलिड अंडर 160, फिर मैंने 160 का 101 का नोटिस डिस्कार्ड कर दिया है, ठीक है, और 14 डेज वाला नोटिस दिया है एंड रिजेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन इज नॉट वैलिड बोला है, क्योंकि ये आपने 14 डेज पहले दिया है पर बिजनेस आर के बाद दिया तो भी चल जाएगा। फिर डिफरेंस इन आंसर कंपेयर्ड टू आंसर गिवन बाय ICAI, ICAI ने इस केस में क्या आंसर दिया है वो भी मैंने मेंशन किया है, द ऑथर्स आंसर इन दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द आंसर ऑफ द ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज। सो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एक बार दोनों आंसर पढ़ लीजिए, पर ICAI का ही आपको लिखना है, गो फॉर इट फास्ट।
पढ़ना हो गया. सो यहां पे अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होते हैं एक्सेप्ट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड 161 वाला एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल वैकेंसी एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डाटा बैंक, ये छोड़ के सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. क्वेश्चन सेक्शन नंबर 170, 171 और 172 पे पास्ट एग्जाम के कोई क्वेश्चन नहीं है, हालांकि आप उसको खुद रिवाइज कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी. ठीक है, सो क्वेश्चन और डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है. सो वो जा सकते हैं. रेगुलर बैच वाले आप एक ब्रेक लीजिए 10 मिनट का, फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, गो फॉर इट फास्ट.